हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है कि जिसका नाम है वैदिक एज। ठीक है, हमने अभी तक देख लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम देखेंगे वैदिक एज के बारे में। ठीक, देखिए वैदिक एज जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला है आपका अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। ठीक है, जो आपका अर्ली वैदिक एज है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1000 बीसी के अप्रोक्सीमेट का ड्यूरेशन है। फिर जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है ये अप्रोक्सीमेटली 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने पूरे वैदिक एज को इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखिए इसमें दो वर्ड्स आते हैं स्पेसिफिक, इनको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। पहला वर्ड है आर्यन। ठीक है, आर्यन का मतलब होता है पर्सन विद हाई बर्थ, पर्सन ऑफ हाई बर्थ, हाई बर्थ। ठीक, मतलब वो व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्मा हुआ हो, है ना, जैसे राजकुमार राजकुमारी, है ना, ये सब क्या है, हाई बर्थ है, मतलब ये रजवाड़े परिवार से संबंधित है, है ना, उच्च कुल में जन्मे हुए लोग वो आपके आर्यंस कहे गए। ठीक, फिर जो वर्ड आता है हमारा वेदास, वेद। ठीक, वेद का मतलब होता है नॉलेज, नो या फिर सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज आप जिस चीज से, मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो वो आपका वेद कहलाता है। ठीक है, आर्यंस होते हैं आपके जो हाई बर्थ, पर्सन ऑफ हाई बर्थ। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि ये वेदा जो है आपका जो वैदिक काल है, ठीक है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने कहा आर्यंस के बारे में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ ओरिजिन ऑफ आर्यंस की। ठीक है, जो आर्यंस कौन है जिनकी हम बात कर रहे थे, हाई क्लास, ठीक, बर्थ ऑफ हाई क्लास पीपल्स की हम बात कर रहे हैं कि वो ओरिजिन कहाँ से हुए। देखिए कई लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, तो उनमें से कुछ लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए कि जो उन्होंने क्या कहा कि आर्यंस जो है कहाँ से आए। आर्यंस क्या है, इंडिया से नहीं थे, ये कहीं बाहर से आए फिर इंडिया में आके बस गए। ठीक, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो जो आपके एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स म्यूलर ने क्या कहा कि ये लोग जो आर्यंस हैं ये आपके सेंट्रल एशिया के इलाके से आए। अब सेंट्रल एशिया जो है वो कौन सा है, आपका जो भारत है, भारत के ऊपर का जो इलाका है, ठीक, अफगानिस्तान के ऊपर का जो हिस्सा आपका, ठीक है, वहाँ से ये लोग आए। ठीक, और जो एक दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने कहा कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए, तिब्बत से। ठीक है, और फिर आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, इन्होंने कहा कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक से आए, जो हमारा नॉर्थ पोल वाला इलाका है जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ये लोग वहाँ से आए। ठीक है, और एक थे एसी दास, इन्होंने कहा कि ये सप्त सिंधु के इलाके से आए। आप सप्त सिंधु कौन सा है आपका, जो पंजाब प्रांत है ना, जो पंजाब का इलाका है, पंजाब प्रांत जो आज की डेट में पाकिस्तान में काफी हद तक पाया जाता है, उस वाले इलाके से ये लोग आए। ठीक है, और बैफली, ठीक है, एक बैफी नाम के व्यक्ति थे, बैफी, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये लोग रशियन स्टेप्स से आए हैं, रशिया से आए हैं, रशियन स्टेप्स से।
रशियन स्टेप्स, मतलब जो रशिया के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उन इलाकों से ये लोग आए। बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ना, जैसे माना जाता है कि हाँ शायद ये लोग यहीं से आए, ठीक, वो था आपका ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया, ठीक है। अब यूरेशिया क्या है, ये आपका बिटवीन एरिया है रशिया और यूरोप के बीच का, जो मध्य एरिया है, ठीक है, ये है वो पार्ट आपका, ठीक। तो मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है, ये माना गया कि ये लोग रशिया से आए थे, ठीक है। ये सब इन लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए थे, ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक साक्ष्य नहीं है जिससे हमें ये पता लगे कि ये लोग कहाँ से आए, बट ऐसा माना गया कि ये लोग इन इन जगहों से आए। बट जो एक्सपेक्टेड थ्योरी है, जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रमाणित थ्योरी है, वो ये कहा जा कहती है कि ये लोग स्टेप्स ऑफ यूरेशिया से भारत आए। चलिए देखते हैं हम फिर अपना, ये लोग जो है बेसिकली कहाँ से, आपके सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया, सेंट्रल, ये हम बात कर रहे हैं कि इनकी आर्यंस की है ना, आर्यंस की, ये लोग सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया, साउथ एशिया क्या हो गया आपका इंडिया है ना, इंडिया की तरफ ये लोग मूव किए, ठीक। और कुछ जो है सेंट्रल एशिया से कहाँ की तरफ चले गए, यूरोप की तरफ, ठीक है। जैसे ये आपका वर्ल्ड है ना, यहाँ पर भारत है, तो ये लोग यहाँ से निकले, कुछ तो यूरोप की तरफ चले गए, कुछ यहाँ साउथ साउथ की तरफ आ गए, साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ, जिसमें भारत इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था, ये लोग लगभग 1500 से 1000 BC के आसपास आए, और कहाँ रहना चालू कर दिया इन्होंने, रहना चालू कर दिया सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु के इलाके में, ठीक है। जो आपका ये है ना, ये इस तरीके से आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है ना, तो ये देखिए ये इस एरिया में, ये पाकिस्तान है आपका, ठीक। तो ये इस एरिया में आके रहना इन लोगों ने चालू कर दिया, ठीक। ये लोग क्या है, इन्वेजर नहीं थे, ये यहाँ पे लड़ाई करने या कब्जा करने नहीं आए थे, ये लोग यहाँ पे क्या आए थे, सेटल होने के लिए, रहने के लिए, सेटलमेंट, बसने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। इन इन जगहों से उठकर ये लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर यहाँ रहने के लिए आए थे, ठीक। और धीरे धीरे ये लोग क्या है, सप्त सिंधु के इलाके में थे, उसके बाद ये क्या हो गए, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग फैल गए धीरे धीरे आके, ठीक है। और इन्होंने, ये जो आर्यंस आए सेंट्रल एशिया के इलाके से, तो इन्होंने जो यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे भारत के इलाकों में, सिंधु सप्त सिंधु में, और जो नॉर्थन इंडिया में जो लोग रह रहे थे, उन्हें ये लोग दस्यु या दास है ना, दास कहकर बुलाते थे, ठीक है। ठीक है, ये लोग अपने आप को क्या समझते थे, हाई बर्थ के लोग है ना, हम उच्च कुल के लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे हैं भारत में, उनको ये लोग दास या दस्यु के नाम से बुलाया करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में, कि हमें इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, आर्यंस के बारे में, ठीक है। तो आर्यंस के बारे में हमें स्पेशली जो है वो ऋग्वेद, ऋग्वेद से पता चलता है, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में लिखी गई, तो उसमें से हमें पता लगता है कि भाई आर्यंस के कब आए और क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। और ये जो ऋग्वेद है, ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, संस्कृत में लिखा गया आपका ऋग्वेद। और इसी टाइम पर कुछ उपनिषद, उपनिषद भी लिखे गए, ठीक है। और कुछ लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड जो आया, ये तो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, तो उसमें तीन वेद और लिखे गए है ना, जिनका हम जान जानते हैं, जिनको कहते हैं आपके, एक तो आपका हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद,
और चौथा हो गया अथर्व वेद। ठीक है, तो ये चार वेद आपके, ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड में आपको लिखा गया और फिर बाद में ये तीनों लिखे गए। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि उपनिषद जो है, हमने उपनिषद की बात की थी, है ना, तो उपनिषद जो है वो 108 है। ठीक है, आपको ये थोड़े नंबर्स याद रखने होंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने उपनिषद हैं। ठीक, अब उपनिषद का मतलब था क्या होता है, उपनिषद, उपनिषद है ना। देखो उपनिषद का बेसिक लिटरल मीनिंग ये है कि सिट टू समवन नियर, किसी के पास बैठकर ज्ञान लेना। देखिए पहले क्या था, बुक्स और टेक्स्ट बुक या आपका डिजिटल स्टडी नहीं थी, तो उस टाइम क्या होता था, और लिखने की भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, वहाँ पर क्या था, गुरुकुल में जाते थे लोग, गुरु अपने ज्ञान जो है वो लोगों को मौखिक रूप से वर्चुअली देते थे और लोग उस ज्ञान को ग्रहण करते थे, रिमेम्बर करते थे। ठीक है, तो वो एक तरीके का लर्निंग मेथड था। ठीक है, तो उपदेश देना एक तरीके से, है ना, तो वो आपका उपनिषद है एक तरीके कहा जाता है। ठीक, इसमें बेसिकली आपकी जो नॉलेज दी जाती थी वो फिलोसफिकल फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नॉलेज आपको दी जाती थी इस टाइम पे। ठीक है, देखिए इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुंडका मुंडका उपनिषद है ना, 108 उपनिषद है हमारे पास उपनिषद। ठीक है, आपको सारे उपनिषद के नाम याद नहीं रखने, बट हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट है जो जैसे जैसे आएंगे हम देखते रहेंगे। तो एक मुंडका उपनिषद है जिसमें से हमने सत्यमेव जयते, जयते जो हमारा स्लोगन है वो हमने लिया है। ठीक, और इसमें जो है इस पीरियड में जो है 18 पुराण्स, पुराण की कथाएं हैं, पुराण हैं। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री फिलॉसफी इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब देखिए हमने बात करी थी वेद्स की, है ना, तो वेद जो था पहला वेद देख लेते हैं, इसमें वेद में था क्या क्या। जो आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद बात करता था प्रेयर्स के बारे में, प्रेयर्स के बारे में, ठीक है, प्रार्थनाओं के बारे में, ठीक है, पूजा पाठ इन सब चीजों के बारे में बात करता था आपका ऋग्वेद। फिर है आता था सामवेद, सामवेद बात करता था चैंट्स एंड म्यूजिक के बारे में, सामवेद कला के बारे में बात करता था, संगीत म्यूजिक आर्ट है ना, इन सब के बारे में बात करता था आपका सामवेद। फिर आता था यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद बात करता था आपका रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिस कि किस तरीके से पूजा पाठ होगा, कौन सी बलि चढ़ेगी, कब चढ़ेगी, कौन सा हवन होगा किस चीज के लिए, है ना, इन सब चीजों के बारे में जो बात की है वो यजुर्वेद ने की गई है। ठीक है, और फिर क्या आया आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक, अथर्ववेद क्या करता था आपका मेडिसिन के बारे में स्पेशली बात करता था, उपचार के बारे में। ठीक है, कि कोई बीमारी है तो उसका उपचार आयुर्वेद के बारे में बात करता है अथर्ववेद आपका। ठीक है, उपचार कैसे किया जाए, किन किन पद्धतियों के द्वारा किया जाए, ठीक, इन सब के बारे में आपका बात करता है अथर्ववेद। अब फिर इसमें हमें कुछ मिले मंडल्स। ठीक है, मंडल्स क्या होता है, मंडल बेसिकली होता है मंडल्स, ठीक है, मंडल्स होता है चैप्टर या डिवीजन, है ना, चैप्टर या डिवीजन। जैसे हमने पॉलिटी देखा है ना, इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी को क्या हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शंस में बांटा हुआ है, उसी तरीके से जो आपके वेद हैं या उपनिषद हैं इनको क्या है पार्ट्स में या चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, वो आपका मंडल है। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाता है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो क्या है, प्रेयर है, पूजा है, किसकी पूजा करते हैं हम इसमें, गॉड सरस्वती की, सरस्वती, ठीक है, गॉड सरस्वती की इसमें पूजा करते हैं। और इसके बारे में जो हमें पता लगा है वो कहाँ पता लगा है, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या था,
हम बात कर रहे थे पूजा पाठ के बारे में, है ना, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या उनके मंत्र वगैरह हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के थर्ड मंडल, मंडल हमने बात की भी चैप्टर या डिवीजन होता है, ठीक है, उससे हमें पता लगा गायत्री मंत्र के बारे में, ठीक है, जो कि सरस्वती देवी के पूजा के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये था आपका जो सोर्सेस हैं जिससे हमें बहुत आर्यंस के बारे में और वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, है ना। तो ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, कि वैदिक एरिया जो आपका टाइम था, वैदिक एज, ठीक, ये कहाँ कहाँ पाया जाता था। तो इससे तो एक तो आप कहा जाता है कि ये सप्त सिंधु, है ना, सप्त सिंधु जो आपका पंजाब प्रांत है वहां पर पाया जाता है, और इसे लैंड ऑफ सेवन रिवर भी कहा जाता है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, ठीक है। तो देखिए जो आपका पाकिस्तान वाला इलाका है, जो सिंधु वाला इलाका है, यहाँ पर क्या है, मुख्यतः सात नदियां बहती हैं, रिवर्स फ्लो करती हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहा जाता है। वो रिवर्स कौन कौन सी हैं, है ना, एक है आपकी इंडस, फिर है आपकी चिनाब, फिर आपकी रावी, ठीक है, फिर ब्यास, फिर आपकी सतलुज, ठीक, और सरस्वती, सरस्वती रिवर जो कि आपकी विलुप्त हो गई है आज की डेट में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब रिवर्स जो है फ्लो करती हैं, इसलिए इसे सेवन रिवर्स, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी कहा जाता है। ठीक, अब इस ड्यूरेशन में समुद्र का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो प्लेन एरियाज तक तो सेटल हुए बट वो समुद्र के आसपास तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, और ना ही इन्होंने विंध्यास देखा। विंध्या की जो पहाड़ियां हैं ना सेंट्रल इंडिया में, एमपी के पास, वहां तक भी ये लोग नहीं पहुंचे, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जो गंगा रिवर है आपकी, गंगा रिवर, इसका भी सिर्फ एक बार, वंस वन, एक ही बार सिर्फ इसका जिक्र किया गया है पूरे वैदिक पीरियड में कि भाई गंगा रिवर नाम की कोई चीज है। क्योंकि देखिए ये जो आपका इंडिया है, देखिए ये इंडिया है आपका, ये इस तरीके से ये आपका जम्मू कश्मीर आ गया, है ना, ठीक, तो ये लोग क्या है, यहाँ तो बसे, फिर कुछ पार्ट यहाँ पर आए। अब गंगा रिवर आपकी यहाँ से बह रही है, कुछ लोग तो चलो गंगा के आसपास पहुंचे, यहाँ पे है आपका विंध्या सेंट्रल इंडिया में, ठीक, तो ये लोग इस तरफ तो यहाँ तक तो पहुंचे ही थे अर्ली वैदिक पीरियड में, यहाँ तो वो लोग गए ही नहीं, ये लोग तो यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में इस तरफ मूव किए, इसलिए इन्हें समुद्र के बारे में या विंध्यास के बारे में, गंगा रिवर्स के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सोशल लाइफ के, सामाजिक जीवन उस टाइम पर कैसा रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, एक टर्म आता है आपका ट्राइब, है ना, जैसे हम आज भी जानते हैं कि ट्राइब होती हैं बहुत सारी, ट्राइब का मतलब होता है जन, ठीक है। अब इसमें जन मतलब पब्लिक, है ना, जनता, यह कम्युनिटी, है ना। इस टाइम पर जो वुमेन्स हैं, औरतें जो हैं, लेडीज, वो एक बहुत ही ऑनरेबल ऑनरेबल स्टेटस जो है वो एंजॉय करती थी, ठीक है। तो मतलब इस टाइम पर हमें कई सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये रिसीव पता लगता है कि जो वुमेन्स है वो काफी ज्यादा एक अच्छा सम्मान या स्टेटस इस पीरियड में रखती थी, ठीक है। और ये लोग जो वुमेन्स हैं वो क्या है, एजुकेशन ले सकती थी, एजुकेशन लेती थी, ठीक है, एंड सेक्रीफाइस में भी इनका कई बार देखा गया कि इनको सेक्रीफाइस के तरीके से कई बार यूज किया गया है समटाइम्स, ठीक। इस टाइम पर जो वुमेन्स का रीमैरिज है, रीमैरिज पुनर्विवाह, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट इस टाइम पर रहा, बट जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ये इस टाइम पर नहीं देखा गया, ठीक। तो वुमेन्स का क्या रहा आपका अर्ली वैदिक पीरियड में, कि एक बहुत अच्छा सम्माननीय स्टेटस रहा है समाज में, एजुकेशन लेते हैं ये लोग, वुमेन्स को एजुकेशन दी गई, मिली उस टाइम पर, और रीमैरिज का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो उस टाइम पर प्रेजेंट था, और जो चाइल्ड मैरिज है ये यहाँ पर देखने को नहीं मिली, ठीक।
अब ये जो आपका सोसाइटी थी यहाँ पर, इस टाइम पर देखिए ट्राइब्स तो थी आपकी, है ना, कम्युनिटीज थी ट्राइब्स, ठीक है, बेसिकली जन थे। तो इसमें कास्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम तो था, ट्राइब्स तो थी, बट कास्ट जो थी कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। ये लोग किस पे डिवाइड किए गए, ये लोग सोसाइटी के वर्किंग कल्चर पे डिवाइड कर दिए गए, वर्किंग कल्चर पे, ठीक। अब देखिए वर्किंग कल्चर में क्या आया, इनको चार वर्णों में, फोर वर्ण्स में डिवाइड किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है, वर्ण बेसिकली आपका कलर, कलर या आउटपुट, आउटवर्ड अपीयरेंस, है ना, आउटवर्ड अपीयरेंस, जैसे आप दिखते हैं, है ना, मतलब जैसे आप राजा हैं, रजवाड़े खानदान के हैं, या मंत्री उसके हैं, या ट्रेडर्स ग्रुप के हैं, या लेबर ग्रुप के हैं, है ना, या आप गुलाम ग्रुप के हैं, इस तरीके से लुक्स पर या वर्किंग क्राइटेरिया पर इनको डिवाइड किया गया है वर्ण सिस्टम में, ठीक है। अब ये जो वर्ण सिस्टम है, इसके बारे में हमें ऋग्वेद में जो पुरुषु पुरुषा पुरुषा सूक्ता, सूक्ता एक पार्ट है ऋग्वेद का, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी ऋग्वेद चल रहा है हमारा, ठीक है, ऋग्वेद का, वहां से हमें वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण्स इन लोग इस टाइम पर डेवलप हुए, तो जो सबसे पहला वर्ण था आपका ब्राह्मण का, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या थे, ये आपके प्रिस्ट थे, पुजारी थे, प्रिस्ट या स्कॉलर्स, है ना, जिन्हें हम आज की डेट में बोलते हैं ना, पर्टिकुलर धर्म का कोई स्कॉलर है, उसके रिसर्च कर रहा है, बहुत ज्ञान है उस धर्म के बारे में, ठीक है, वो क्या हो गए आपके ब्राह्मण्स हो गए। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय क्या हो गए, वॉरियर्स, योद्धा जो लड़ाई करते थे, या रूलर जो राजा रहे आपके उस टाइम पर, या प्रशासनिक अधिकारी जो रहे, मंत्री वगैरह, ये क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए। फिर तीसरा जो है वैश्य, ठीक है, वैश्य क्या थे, ये थे आपके ट्रेडर्स, व्यापारी या फार्मर्स, जो आपके किसान वगैरह हुआ करते थे, वो आपके वैश्य कैटेगरी में आते थे। फिर जो चौथा वर्ण था शूद्र का, ठीक, शूद्र में क्या थे, सर्वेंट्स, जो आपके नौकर वगैरह हैं, लेबर्स हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, और जिन्हें एक वर्ड यूज किया गया था दास या दस्यु, है ना, दस्यु हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिन्हें लो ग्रुप, लो माना जाता था अपने से, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहते थे, हाई कैटेगरी में रखते थे, और बाकियों को जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं उन्हें लो मानते थे। तो ये था आपका डिवीजन ऑफ वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, आप ये तो आपका हो गया वर्ण सिस्टम में, यहाँ पर कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं था, नहीं जानते थे, था ही नहीं, ठीक है। अब और यहाँ पर एक और चीज नहीं थी, इंटर मैरिज, इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग, मतलब देखिए जो शूद्र है वो वैश्य के साथ इनकी शादी नहीं हो सकती, यहाँ के लोग यहाँ शादी नहीं करते थे, यहाँ के लोग इधर शादी नहीं करते थे, और यहाँ के लोग इनके साथ खाना नहीं खाते थे, और ये लोग इनके, मतलब ये ग्रुप अलग ही था, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं था एज सोशली, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं फूड के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो फूड है इस टाइम पर, हमने जैसे देखा था कि आईबीसी में जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी खत्म हुई, तो बहुत सारी फसलें आपकी उगानी चालू हो गई थी, एग्रीकल्चर आपका बेस्ड बन गया था, ठीक है। तो इस टाइम पर भी जो है वीट एंड बार्ले, ये क्या है, मुख्य तौर पे उगाया जाता था, ठीक है। और फिश जो मीट है आपका, मीट, ठीक है, किसका, फिश का, गोट का, बर्ड का, ठीक है, या काउ का, और सॉरी काउ का नहीं, शिप का, ठीक है, इन सब चीजों का मीट भी कई जगहों पे खाना शुरू हो गया था, ठीक। और यहाँ पर क्या था, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन था किसका, काउ के मीट का, काउ को क्यों, क्योंकि काउ को यहाँ पर
पूजा जाता था, ठीक है। इसलिए काऊ के मीट पर स्ट्रिक्ट प्रतिबंध था और इन सब जानवरों का, पशुओं का मीट जो है खाया जा रहा था, ठीक। अब हम इसमें एक और ड्रिंक की बात करते हैं। ड्रिंक, ये तो खाने की बात हो गई, ये सब खाने का आइटम हो गया। उसके बाद आता है सोम, ठीक है। तो जो इस टाइम पर एक सोम नाम, जैसे सोमरस कहते हैं जिसे, है ना, आपने सुना होगा। तो सोम जो है एक ड्रिंक है जो थोड़ा सा नशीला होता है, ये पिया जाता था। और ये जो है वो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, हिमालय की पहाड़ियां जो हैं वहां से लाया जाता था, कश्मीर से लाया जाता था, ठीक है। तो ये सब था उसके आपके फूड के बारे में, किस टाइप का फूड कल्चर था वहां पे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी, किस तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम वहां चलता था, किस तरीके की राजनीति होती थी वहां पर, है ना, पॉलिटी की बात है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कुछ टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ऋग्वेदिक पेज में, एज में किसको क्या कहते थे, है ना। देखिए कुल एक वर्ड है, कुल, कुल का मतलब होता है फैमिली, है ना, ग्रुप ऑफ परिवार, मतलब आपकी जो पीढ़ियां हैं, है ना, आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ठीक है। फिर उनके पीछे की जो एक पीढ़ियां हैं, फैमिली है, ग्रुप है ना, इसको क्या कहते थे, कुल कहते थे, ठीक। और एक वर्ड आता है जन, जन क्या होती है, ट्राइब, जाति या कह लें ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक, ग्रुप ऑफ फैमिलीज है बेसिकली। ये तो कुल हो गया आपका फैमिली, और ग्रुप ऑफ फैमिलीज हो गया आपका ट्राइब। फिर होता है एक राजन, राजन, ठीक है, नाम ही बता रहा है, राजन मतलब जो ट्राइब है, ठीक, इन सभी फैमिलीज को मिला के एक ट्राइब बनी, और इन ट्राइब्स का जो चीफ है, चीफ ऑफ ट्राइब, वो क्या कहलाता है आपका, राजन, ठीक। और इस और इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे आपके सभा, समिति, है ना, ये सब एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, जैसे सभा, समिति, ये सब क्या है, आपकी मीटिंग्स और असेंबली ऑफ पीपल्स के बारे में बात करता है, जो असेंबली की बात करता है, मीटिंग होती है ना, होती है, तो उसके बारे में ये सब बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी इसमें क्या रहा आपका, जो चीफ है आपका, ठीक, अगर जो चीफ आपका वीक है, वीक इन द सेंस की कमजोर है शासन चलाने में, अपने जो कुल है, कुल या फैमिलीज की रक्षा करने में, तो उसे क्या किया जाता था, हटा दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था उसके पद से, ठीक है। इसमें कोई मोनार्ची नहीं चलती थी कि भाई, हेरिडिटी मोनार्ची नहीं थी कि भाई अगर जो एक परिवार का राज चल रहा है तो वही चलता रहेगा। इसमें अगर जो ये वीक है तो इसे हटा के जो अच्छा कैंडिडेट है उसे लाके उसे चीफ बनाया जाता था, ठीक है। और इसमें राजा के पास जो है, जो किंग है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती थी, ठीक है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है भाई। उसको क्या है, जब राज करना है या काम करना है तो वो विद द मेंबर्स, जो उसका कैबिनेट होगी एक तरीके की, है ना, उन सबके बात करके फिर कोई डिसीजन लेगा, ठीक है। ये सब चलता था यहाँ पे राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, ठीक है। फिर हम देखते हैं वॉर्स, लड़ाइयों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक काफी फेमस है बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पुरुषिनी में, और पुरुषिनी है आपकी रावी रिवर के किनारे, रावी नदी के पास में ये है जगह, वहां पे हुई थी बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 किंग्स के, ठीक है, ये 10 राजा थे, ये ट्राइब्स थी बहुत सारी अलग अलग नाम की, ठीक है, 10 ट्राइब्स थी, इन्होंने आपस में लड़ाई करी, और इसमें एक ट्राइब थी भारत, ठीक है, भारत ट्राइब थी। तो वो भारत ट्राइब जो है इन 10 ट्राइब्स में क्या हो गई, जीत गई, ठीक है। और जिसके नाम पर ही बाद में भारत को, जो इंडिया है, इसका नाम भारतवर्ष रखा गया, भारत वर्ष रखा गया, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या थे, वेपन्स जो थे, लड़ाई जो हो रही थी उस टाइम पर, देखिए हमने क्या देखा, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हमने देख ली, इस टाइम पर हमें ब्रॉन्ज और कॉपर के बारे में पता चल गया है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज और कॉपर के बने हुए हथियारों
से क्या होती थी, लड़ाई होती थी, ठीक है। और इनके पास क्या है, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, है ना। जैसे आज की डेट में हमारे पास क्या है भाई, इतने लाख सैनिकों की एक सेना है हमारे पास, है ना। उस टाइम पर क्या है, कोई सेना नहीं थी पर्टिकुलर, कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था, वो लड़ाई करते थे ब्रॉन्ज और कॉपर के आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ, है ना, हथियार बनाए हुए, उनसे ये लोग लड़ाई करते थे, ठीक है। और ये लोग चैरियट का यूज भी करते थे भाई, जिसे वो कहते हैं ना बग्गी, बग्गी आपने देखी होगी, है ना, घोड़े लगे होते हैं पीछे, एक चैरियट होता है खींचता है, ठीक है। तो उसको जो लड़ाई में सेनापति या राजा लड़ रहा है वो उस पर बैठ के लड़ाई करता था, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, हमने देख लिया वॉर के बारे में, अब इकोनॉमी, वहां की इस टाइम पर जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें जो इकोनॉमी है ना, वो कैसे चलती थी। देखिए इस इकोनॉमी जो है बेसिकली एक तो ट्रेड पर चलती थी आपकी, ट्रेड किस पे, ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो आपको था, ठीक है। और दूसरा था आपका ट्रेड ऑफ काउस, है ना, गायों का व्यापार यहाँ काफी होता था, ठीक है। और जो सब प्रायोरिटी थी वो काउस के जो ट्रेड थी उन पर रहती थी, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो आपका वो सेकेंडरी था। तो इसमें जो है इसी टर्म यूज किया जाता है गोविष्ठी, ठीक है। तो गोविष्ठी क्या होता है, गोविष्ठी होता है बेसिकली सर्च ऑफ काउ, सर्च ऑफ काउ, देखिए काउस और वॉर, देखिए गोविष्ठी बेसिकली क्या है, उस टाइम पर गोविष्ठी एक एज अ आपका यूज किया जाता था वेल्थ, है ना, जिसके पास जितनी गायें होंगी वो उतना ज्यादा रिच होगा, है ना। उस टाइम पर लैंड, आज की डेट में क्या है, लड़ाई कहाँ होती है, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर होती है। उस टाइम पर लैंड का कोई मतलब नहीं था, लैंड के ऊपर लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई होती थी गायों पर, है ना। कोई बात हुई तो भाई लगाया गया कि भाई इतनी गाय हारेंगे तो इतनी गाय दी जाएंगी, इतनी गाय ली जाएंगी, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पे चलता था, ठीक है। और यहाँ पर जो है कई सारे क्राफ्ट्स भी मिले हमें, ठीक है। और क्राफ्ट्स किस किस के, पॉटरी के, जो आपके मटका होता है ना पॉटरी, लेदर गुड्स के, चमड़े के जो आइटम्स हैं उनके, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कॉइन नहीं मिला, कोई भी कॉइन सिस्टम नहीं था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉइन्स की जगह क्या चलती थी, काउस का, जो बड़ी डीलिंग्स हो रही हैं वहां पर क्या है, काउस को यूज किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बार्टरिंग सिस्टम चलता था, बार्टरिंग सिस्टम, बार्टर सिस्टम आप जानते ही होंगे, है ना। बार्टरिंग सिस्टम में क्या होता है, बार्टरिंग सिस्टम बेसिकली आपका जिसमें आप एक चीज देते हो और दूसरी चीज लेते हो, है ना। मान लीजिए आपने खेती की, तो खेती में आपने वीट उगाया, है ना, और एक किसी और व्यक्ति ने राइस उगाया, तो आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट वीट का इसको दोगे और ये आपको कुछ अमाउंट राइस का देगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है ना, एक तरीके का बार्टर सिस्टम में आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता था इस टाइम पर, ठीक है। और सिर्फ हमें इस पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में पता है, है ना। तो हमने देखा ये, तो हमने देखा था अभी तक इकोनॉमी के बारे में, हमने उसमें बात करी काऊ के बारे में, है ना। तो हम काऊ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ चीजें हैं कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं, है ना। अब काऊ जो है एज अ गिफ्ट यूज की जाती थी, किसको देने के लिए, प्रिस्ट को, जो पुजारी हुआ करते थे वहां के, ठीक, उनको देने के लिए काउस को यूज किया जाता था एज अ गिफ्ट, है ना। वो दक्षिणा, दक्षिणा देते थे ना, तो काउस को एज अ गिफ्ट यूज किया जाता था। काउस को क्या दूसरा नाम दिया गया है, गौ, है ना, गौ माता जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना। और गोवेष्टी आप वर्ड जान ही गए हैं, है ना, क्या होता है गोवेष्टी, सर्च ऑफ काउ और इन और बैट जो आपका वॉर है, ठीक। और एक टर्म आता है गोपति या गोपाल, ठीक है। गोपति या गोपाल जो होता है वो कौन होता था, राजा, राजन या चीफ जिसे हम कहते हैं ना, चीफ प्रोटेक्टर ऑफ काउस, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, है ना। देखिए अब जिस चीज, किसी भी चीज से वहां की जनता की चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो उस चीज को क्या है, प्रोटेक्ट करना वहां के जो किंग है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना।
तो जो काउस है, काउस से क्या है, लोकल जो जनता थी, पब्लिक थी, उसकी क्या थी, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। तो उन सेंटिमेंट्स की रक्षा करना राजन का धर्म था, जिम्मेदारी थी। और राजन और जो चीफ होता था ट्राइब्स का, उसे गोपतिया गोपाल कहा जाता था। ठीक, फिर आता है एक टर्म दुहित्रा। दुहित्रा, ठीक है, दुहित्रा होती थी डॉटर ऑफ गोपाल या गोपति, जो चीफ है आपका, है ना, चीफ या राजा जो है, उसकी जो बेटी होती थी उसे कहते थे दुहित्रा। और वो जो क्या करती थी, वो काऊ का मिल्क निकालती थी। ठीक है, दूधने वाला, जो दूध निकालने वाला व्यक्ति है वो, ठीक है, तो दुहित्रा कहा जाता था उसकी डॉटर को, और जो दूध निकालने का काम करती थी काऊ उसका। ठीक है, और फिर एक टर्म आता है इसमें गोमत। गोमत, ठीक है, गोमत क्या होता है, वेल्थी मैन, अमीर आदमी, है ना। अब अमीर आदमी यहाँ पर कैसे है, पैसों से नहीं, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ काउज हैं, इसके पास जितनी ज्यादा काउ, इस मान लीजिए किसी के पास 100 गाय हैं तो वो ज्यादा अमीर, जिसके पास एक है वो भिखारी, मतलब इन सेंस की काफी गरीब है, 50 है तो वो और गरीब है, मतलब जो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर व्यक्ति, वो कहलाता था गोमत। ठीक है, और यहाँ पर जो मीट है, काऊ का मीट खाना स्ट्रिक्टली क्या था, मना था, बंद था, बैन था, है ना। ठीक है, तो ये सब था आपका गाउस के बारे में। चलिए फिर हम बात करते हैं रिलीजन और फिलोसफीज के बारे में। ठीक है, कि इस टाइम पर किस टाइप की पूजा, किनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो देखिए इस टाइम पर भी कोई, जैसे हमने देखा था कि आईबीसी का जो टाइम पीरियड था, है ना, उसमें कोई स्ट्रक्चरल मूर्ति नहीं थी, मूर्ति या फोटो नहीं थी जिसकी पूजा की जाती थी। वो क्या करते थे, आपकी एनिमेटेड चीज़ों की, एनिमेटेड मतलब एनिमल्स की या नेचर की पूजा करते थे, है ना, प्लांट्स की पूजा करते थे। ठीक है, वही ट्रेंड यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा अब डेवलप होना चालू हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ गॉड्स की पूजा की जाती थी। देखिए गॉड्स का कैटेगरीशन इस तरीके से, टेरेस्ट्रियल गॉड, टेरेस्ट्रियल गॉड, ठीक, टेरेस्ट्रियल गॉड मतलब जो है, दिखते हैं हमें, है ना, जैसे आपका पृथ्वी, 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 अग्नि, ठीक है, सोम, जल, आकाश, है ना, ये सब क्या है, ये गॉड फॉर्म है, इनको एज अ गॉड मान के इनकी पूजा की जाती थी। फिर ये जमीनी गॉड है ना, जिन्हें हम फिजिकली देख रहे हैं। फिर है एटमॉस्फेरिक गॉड, सॉरी आकाश नहीं आएगा यहाँ, सोम आएगा, पानी, है ना, सोम देवता, सोम या कुछ पीय पदार्थ, है ना, सोम, सोमरस, उससे कंपेयर नहीं करना, ये सोम है। ठीक, फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक गॉड। अब एटमॉस्फेरिक गॉड क्या हो गए, इंद्र जो वर्षा करते हैं, वायु, वायुदेव, ठीक, ये क्या है आपके एटमॉस्फेरिक गॉड की कैटेगरी में आ गए। फिर आपके आते हैं हेवनली गॉड, हेवनली गॉड, अब हेवनली गॉड कौन से हो गए आपके, वरुण, ठीक है, सूर्य, सूर्यदेव, ठीक है, ये सब क्या है आपके हेवनली गॉड। इस तरीके से इन सभी देवताओं की पूजा की जाती थी। और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं, जिनकी मैक्सिमम पूजा की जाती थी, वो थे आपके गॉड वरुण, वरुण, ठीक है, ये किसके गॉड थे, गॉड ऑफ स्काई, आसमान के देवता, है ना, और पानी के देवता, ठीक, और गॉड इंद्र, इंद्र गॉड की भी काफी पूजा की जाती थी। ये किसके थे, गॉड ऑफ वॉर एंड थंडर स्टॉर्म, बिजली जो कड़कती है ना, ठीक है, और इन्हें एक पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर, पुरंदर वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अग्नि, अग्नि जो थे गॉड ऑफ फायर। ठीक, तो इस तरीके से इन गॉड्स की क्या है, पूजा की जाती थी इस टाइम पर। ठीक है, और इसमें जो है जो प्रीस्ट थे आपके, वो क्या थे, ब्राह्मण कैटेगरी में आते थे। उन लोगों ने क्या किया कि भाई स्टार्ट किया सेक्रीफाइस करना प्रेयर्स में, है ना, प्रेयर तो होती थी, भगवान की प्रेयर तो कर रहे हैं ये लोग। ठीक, साथ में क्या शुरू हुआ, सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब बलि देना। अब यहाँ पे बलि किसकी दी जा रही है, बलि दी जा रही है
बलि इन द सेंस की जानवरों की नहीं है, यहाँ पे काउस की बलि की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बलि दी जा रही है मीन्स जैसे आपका घी होता है, घी की बलि, वेजिटेबल की बलि, ठीक है, ग्रीन्स अनाज की बलि, ठीक है। और साथ ही देखिए अभी ये क्या हो गया, ये सिस्टम क्या चालू हो गया भाई, जैसे दक्षिणा है अब वो इस टाइम पर क्या डेवलप होना चालू हुआ कि डेवलप हुआ कि भाई जो प्रीस्ट है उनको आप ये सब चीजें दान में दो, सक्रिय मतलब दान कर दो आप इन सब चीजों का, ठीक है। किसको अब दान किसको करोगे भाई, जाहिर सी बात है आप जो प्रीस्ट है आपका पुजारी है ना उस टाइम पर, तो उसको ही क्या करोगे दान करोगे। तो ये जो प्रीस्ट है ये कम्युनिटी जो है ठीक है ये क्या है डेवलप होने और रिच होने चालू होगी धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है ये सब मटेरियल्स जो है आपके ये क्या है वेल्थ बढ़ा रहे हैं आपकी, तो ये सब उनके पास आने लग गए, ठीक है। और यहाँ पर यजन चालू हो गया, यजन ठीक, यजन मतलब सेक्रीफाइस चालू हो गया, ठीक है, तक भाई किसी को कोई दिक्कत है तो वो क्या है किसके पास जाएगा प्रिस्ट के पास जाएगा, तो प्रिस्ट क्या बोलेगा कि भाई आप ये वही फलाना फलाना पूजा करिए तो आपके जो दुख है इन सबका निवारण हो जाएगा और ये सब चीजें दान करिए, है ना। तो इससे क्या है ये सिस्टम चालू हो गया, ठीक है। अब जो यज्ञ था, यज्ञ मतलब एक तरीके से पूजा करना या सैक्रिफाइस करना, ठीक है, हवन करना है ना, ये क्यों किया जा रहा था भाई जो है चाइल्ड के लिए, बहुत सारे लोग क्या थे बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए पूजा करवाते थे, ठीक है, गाय मिल जाए, काउस नहीं है उनके पास तो गाय मिल जाए तो उससे क्या वो रिच हो जाएंगे, ठीक है, खाना नहीं है, लैंड खराब हो गया, बाढ़ आ गई, ये सब चीजें, तो भगवान रुष्ट हो गए हमसे, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट जो थे इन सब से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए वो क्या प्रिस्ट का सहारा लेते थे, क्यों, क्योंकि जो प्रिस्ट कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी ये इस टाइम पर क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी धीरे धीरे, डोमिनेट, ठीक है, कि ये जो लोग कहते थे तो बाकी सभी लोग उसी चीज को मोस्टली फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने ऋग वैदिक एज में अर्ली वैदिक पीरियड जो कि आपका 1500 बीसी से दो सॉरी 1000 बीसी के आसपास तक का टाइम पीरियड है वो हमने देखा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं लेटर वैदिक एज को जो कि आपका 1000 साल से 600 बीसी के बीच में है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।